You are good to go. Yeah. So we can start? Yes. Okay, so thank you so much, Prathamesh, for giving this opportunity to interact with everyone on my very dear and near topic, that is mangroves, the frontline warrior. To start with, what are mangroves? I would say that they are the skin of our coast. I will start this presentation. I'll be briefing in both the languages, in English and Hindi, because I'm sure there might be many people who may not be much comfortable with the English language. So mangroves जो है, we call them as skin of our coast. अब इसको skin क्यों बोला है मैंने? क्योंकि as we all know कि हमारी skin जो है, वो हमें protect करती है. Similarly, this mangroves also protect us from many external natural calamities that we face, like floods, cyclones, tsunamis. ये काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि अगर मैंग्रोव्स की बात आती है तो मैंग्रोव्स को क्यों सेव करना है, बिकॉज लाइक सी लेवल राइज है या फिर क्लाइमेट चेंज है, सुनामी, साइक्लोन, इन सब से हमारा बचाव होता है. Also, it is given in many research papers also what role mangroves play. But there are some eye openers जिसके वजह से conservation of mangroves जो है वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा. There was this super cyclone which hit the coastline of Bhitarkanika in Orissa in 1999. फिर इन तमिलनाडु तमिलनाडु एंड पिचावरम, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, जब सुनामी आया था 2004 में, सो दैट वाज अ आई ओपनर. क्योंकि जिस जगह पे या फिर जो भी विलेजेस थे जहां पर मैंग्रोव्स थे, ऑल दिस विलेजेस वेर सेव्ड. एंड तभी लोगों को ये पता चला कि अगर ये मैंग्रोव्स हमारे बैकयार्ड में या फिर हमारे घरों के नजदीक होंगे, स्पेशली फॉर द पीपल जो कोस्टल कंट्री, कोस्टल सिटीज के यहाँ रहते हैं, कोस्टल विलेजेस के यहाँ पे, तो हमारा प्रोटेक्शन होगा. सो दैट इज हाउ पिचावरम इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जहाँ पे लोगों ने मैंग्रोव्स को प्लांट करना स्टार्ट किया. देन अगर मैंग्रोव्स का बचाव नहीं होगा एंड दे आर ट्रीटेड, यूजली 2005 के पहले जब ज्यादा कुछ पता नहीं था मैंग्रोव्स के बारे में, लोगों को ये वर्ड भी नहीं पता था मैंग्रोव्स क्या है, तो वो टाइम पे मैंग्रोव्स वेस्ट लैंड करके ही ट्रीट किए जाते थे. एज वी ऑल नो कि हमारे जितने भी डंपिंग ग्राउंड्स आज है, दे आर नियर द मैंग्रोव्स. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर ट्रीटेड लाइक दैट. या फिर रिक्लेमेशन भी हो जाता था, रातों रात वहां पे डेब्रीज डाले जाते थे, भराई की जाती थी जमीन फ्लैट करके, देन दैट लैंड वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल. सो दिस वॉज द सिनारियो लाइक ऑलमोस्ट 1 decade बैक और सो वी कैन से. बट दिस 10 years हैज बीन अ वेरी फ्रूटफुल ईयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स. क्योंकि जब 2006 में फ्लडिंग हुआ, तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट जो है, या फिर अनप्लान्ड सिटीज है, या फिर द क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, ये सारे जो चीजें हैं, दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट. एंड अगर एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है, तो बिकॉज ऑफ द क्लॉगिंग ऑफ सर्टेन ड्रेन्स, पानी जो अंदर आता है हाई टाइड के वक्त एंड जोर से बारिश होती है, तो ये पानी बाहर नहीं जा पाता है. सो वॉट इज द रीजन? इट इज नॉट बिकॉज वी हैव मैंग्रोव वी आर फेसिंग ऑल दिस कैलामिटीज, इट इज बिकॉज लाइक वी हैव ब्लॉक द ड्रेन चैनल्स. अगर ड्रेन चैनल्स ब्लॉक होंगे तो वॉटर कैन नॉट गो बैक इन टू द सी, इट इज गोइंग टू रिमेन ऑन द लैंड. देन इन 2020 रिसेंटली वी फेस दिस साइक्लोन निसर्ग. सो दिस वॉज लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड फॉर आवर जनरेशन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम साइक्लोन एंड ऑल ये सारी चीजें फेस करने वाले थे. सो एवरीबडी वॉज वेरी लाइक यू नो क्या होगा क्या होगा. सो न्यूज चैनल्स एंड ऑल लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे थे अबाउट दिस साइक्लोन. लकीली इट डिड नॉट हिट द कोस्ट लाइन अराउंड मुंबई, बट इट पास थ्रू रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन दोज एरियाज. यहाँ पे भी जिस जगह से ये साइक्लोन पास हुआ, तो वहां पे बहुत जगह पे मैंग्रोव स्पीशीज जो है वो अपरूट होके गिर गए या फिर एंड ऑल. एज सच वी हैव ऑब्जर्व द डिग्रेडेशन ऑफ द मैंग्रोव, बट देन प्रॉपर्टी, लोगों का जो प्रॉपर्टी है, लाइवलीहुड है, या फिर लोगों की जान नहीं गई इसमें. सो प्रोबेबली वन रीजन इज लाइक यू नो दैट नाउ वी हैव अ वेरी हेल्दी मैंग्रोव वॉल अराउंड अवर कोस्ट लाइन, जिस वजह से वी आर लाइक यू नो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस नेचुरल कैलामिटीज. सो
This is like, you know, how the mangrove wall is formed. It is not formed, we don't need any concrete cement or anything to form this wall, but this mangroves will play their role. So throughout the Maharashtra, Thane, Ratnagiri, Sindhudurg, Raigad and Dahanu, these are the, and Mumbai region of course. So these are the six coastal districts where these mangroves are growing luxuriantly. So, and one more thing, Maharashtra is a pioneering state. ऐसा इंडिया में कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए इतनी सारी चीजें की गई है. So महाराष्ट्र is like an example for every state to study and to observe that how, like, you know, we can conserve the mangroves and we can grow them and it will help us directly or indirectly. So going ahead with the journey of how Maharashtra has progressed in terms of conservation of mangroves, in 2005, you might have read it in many newspapers that mangroves were declared as protected forest. So later on in 2012, so this was after, like, then we had floods in 2006 and there were a lot of awareness that was created about the mangroves by various stakeholders. Then in 2012, mangrove cell was formed to initiate measures for conservation of the mangroves. This was the High Court order. The protected forest that was formed, this was the High Court order. And later on, mangrove cell was formed specially in the Forest Department for the conservation of the mangroves. And then the journey started where mangrove nurseries raised kiye gaye, fir plantations carry kiye gaye. Then there were many cleanup activities that started. So we all know what problem waste is causing and it is very important ki agar is mangroves ka healthy growth hona zaruri hai to jo bhi kachra mangroves mein aa jata hai wapas with the tide, that needs to be removed. Then there are certain awareness programs that were created. इतना ही करके हमारा जो शासन है ये रुका नहीं. 2013 में द स्टेटस जो था मैंग्रोव्स का उसको अपग्रेड किया गया बाय हाई कोर्ट टू रिजर्व फॉरेस्ट. देन इन 2014 मुंबई में जितने भी एनक्रोचमेंट थे वो निकालने के लिए स्पेशल यूनिट फॉर्म किया गया, दैट इज मुंबई मैंग्रोव कंजर्वेशन यूनिट. एंड इसका जो रिजल्ट है दैट वी कैन से दैट दिस इज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज दैट वेर कैरिड आउट थ्रू आउट द कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र, दैट इन 2015 में 20% इंक्रीज देखा गया मैंग्रोव के कवर में. So then in 2015, when the cell was formed, under the leadership of Shri N. Vasudevan, who was former APCCF, that is Additional Principal Chief Conservator of Forest Mangrove Cell, several projects were started. So jisme international body tha, GIZ, UNDP, German Agency and United Nations Development Program, under which several initiatives started. One is declaration of the Thane Creek Flamingo Sanctuary. I'm sure many of you must have visited the Thane Creek Flamingo Sanctuary and have enjoyed the view of the flamingos. So 1,690 hectares of the mangrove land along the coastline of along the Thane Creek was declared as the sanctuary in year 2015. Similarly, various livelihood programs were started. This was started in Sindhudurg, where local communities were involved. The MCMCs were formed, that is mangrove co-management committees, and they were trained for mud crab farming, oyster farming, sea bass cage culture, mussel farming. And one more step was formation of coastal and marine biodiversity center, which is the gateway for Thane Creek Flamingo Sanctuary. Not only this, we also had association with various scientific institutions like ISRO, NIO, CMFRI, SACON, BNHS and many. Then in 2015-16, Mangrove Foundation was formed. The full name of Mangrove Foundation is Mangrove and Marine Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra. So this is a registered society under Societies Registration Act.
Then mangrove biodiversity conservation, it is financially supported by many corporate, semi-corporate and governmental organization, and a lot of conservation activities and the livelihood activities which started via UNDP-GIZ project were further continued and extended towards the coastline of Maharashtra. सो इस वजह से मैंग्रोव कंजर्वेशन का जो काम था जिसमें रिस्टोरेशन किया गया काफी जो भी डिग्रेडेड पैचेस थे थ्रू आउट द कोस्ट लाइन ऑफ द महाराष्ट्र तो इसके लिए हाई सैटेलाइट इमेजरी से मैप्स बनाए गए बेस्ड ऑन दोज मैप्स लाइक जितने भी डिग्रेडेड जगह थे देवर चेक ग्राउंड ट्रूथिंग करके देवर सिलेक्टेड फॉर द प्लांटेशन मैंग्रोव क्लीनअप एक्टिविटीज एंड एनक्रोचमेंट रिमूवल एवरीथिंग वॉज कैरिड आउट सक्सेसफुली एंड वी आर स्टिल डूइंग ऑल दिस activities. Now, the very proud thing for Mangrove Foundation and Mangrove Cell is there are so many livelihood activities which are showing fruits like there is mud crab farming, oyster farming, sea bass cage culture, mussel farming, ornamental fish rearing hatcheries. In sabse around 29 lakhs tak ka utpanna jo hai ye coastal communities ko hua hai and it has helped them a lot in today's COVID crisis. Apart from that, various sites are selected for ecotourism, जहाँ पे लोगों को training दिया गया है, and we have been working closely with this local community so that they will get sensitized कि mangroves क्यों important है, उनके वजह से क्या benefits होते हैं, and why they are required. आपको टर्टल फेस्टिवल भी पता होगा, इस बार तो फेसबुक लाइव किया था, because people were not able to go to see the turtle festival. And of course, Flamingo Safari is one. And there are many other ecotourism places that we have identified and they are successfully implemented now. Now to understand further aspects of the mangrove ecosystem, various projects are given to various scientific organizations. So definitely these results are going to help to understand and conserve this ecosystem in a much better way. And there are certain outreach programs that we undertake wherein educational programs for school, colleges, and this entire COVID pandemic has given this online platform like we are having this lecture today. So similarly, there are many lectures, internships, and training programs that are organized as an outreach programs by the Mangrove Foundation. So the work of this entire Mangrove Foundation and the cell is done under the guidance of our current APCCF, Shri Virendra Tiwari, sir, and our Madam Deputy Conservator of Forest Mangrove Cell, Ninu Somraj, Madam. Now, in Maharashtra, throughout the coastline of Maharashtra, we have undertaken various plantation initiatives that I mentioned earlier in the work of the Mangrove Foundation. So if you see the FSI report, we can see the like prominent increase in the mangrove cover that is seen in the Maharashtra. So if we see in 2005, it was 158. In 2009, it was 186 and today it is 2020. It is more than 70-75% increase in the mangrove cover than what it was earlier. So, Mangrove Cell, Mangrove Foundation, various stakeholders that were involved in all these activities. So, it is showing the very positive impact in strengthening the mangrove wall across the coastline of the Maharashtra. Now, let us understand कि ये जो mangrove habitats हैं, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं. So, as you can see in the map, all this green dot indicates the places जहाँ पे आप ये mangroves देख सकते हैं. Now, in India, we are blessed with diverse kind of forest जो हमें दिखते हैं. There are desert, terrestrial forest also, we have so many types. And in mangroves also, agar hum east coast dekhenge, to most of the bigger rivers, jo bhi badi nadiya hai, to wo wahan pe aake samundar se milti hai. So that leads to the formation of delta and a flat plain is formed. Because of which east coast pe jo bhi mangroves dikhte hai, so they grow luxuriantly and most of the like flat beds are formed across the east coast of India.
And that is the reason we have rich mangrove biodiversity on the east coast. Coming to the west coast, we will see these mangroves along the estuarine and brackish water. That is near the coastline, near the creeks, near the riverbeds. So all these are the areas where you will see the mangroves. You will never see mangroves in the pond or in a kind of lake that is present in the inland area. So these are called as estuarine and brackish water mangroves. And then there are insular mangroves which are found on the islands. So the freshwater source is of course the rainfall and the seawater. And in this areas, insular kind of mangrove growth is seen. Now throughout the India, if we say, then there are 46 mangrove species that are found. And if we say throughout the world, it is only 80 or 81 species of mangroves that are seen. Now, we all know, like when we talk about plant taxonomy or botany, there are lakhs and crores of species that are growing on the planet Earth. But when we come to the border of the land, there are only approximately 75 to 80% species that can make their living in this harsh conditions. And Maharashtra is almost like comprises half, like 50% of the... Yes? Shital? Yes? I think somebody shared a screen. So you will have to reshare your screen. Okay. Okay, can you see the screen now? It's just loading. So yeah, now I can see the screen. Okay, so can I start? Yeah, somebody I think by mistake shared his screen. So your screen is off. No problem. So in India, we have 46 true mangrove species. Now we call them true mangrove. Shital, full screen. Oh yeah. So we call them true mangrove species. It is because they show various adaptations. Agar aap mangroves mein jao, to usme alag prakar ke roots dikhenge. Leaves jo hai, wo kafi evergreen hai. Soil jo hai, it is muddy, clay, sometimes sandy, sometimes rocky. So there are different type of habitats that you can see even in the mangrove areas. Then Maharashtra mein there are 22 mangrove species that we can see. Now, usually everywhere we say 20 mangrove species. If we go through the research articles, then it says 22 mangrove species. But still, like, we don't know the identity of several species like Avicennia alba and Bruguera parviflora. So, ye mention kiye gaye hai, but wo kabhi hume dikhai nahi diye hai. So, we usually say that we have 20 mangrove species along the coastline of the Maharashtra. Now, this is a photo that was clicked at the Gurai area. So, yahan pe aap dekhoge, ye so sare trees hai. These are very big trees, like 40-50 feet tall honge. And ground, if you can see, it is muddy. Ye low tide ke baad click kiya gaya hua photo hai. And then you can see this pencil-like projection. So, ab ye pencil-like projections jo dikh rahe hai, ye actually roots hai. तो ये रूट्स जो है बिकॉज जमीन मड़ी है दलदल है वहां पे तो ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाता है एंड इसलिए क्या होता है ये रूट्स जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो दे फुलफिल द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो ये एडाप्टेशन जो है वो मैंग्रोव्स ने अपने खुद के लिए किया है बट इट सर्व्स लॉट मेनी ऑफ इकोलॉजिकल पर्पसेस नेचर के लिए हमारे लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल सर्विसेस हमें मैंग्रोव से डिराइव होते हैं Now, if you see this mangrove, this is this photo. This is during click during high tide. अभी ये जो plants हैं ये आपको बहुत हरे दिख रहे हैं because this is altogether different species of mangrove. Mangroves जो है ना हम दूर से भी identify कर सकते हैं because any area if you go. अभी यहाँ पे ये photo में आपने देखा सारे trees एक जैसे दिख रहे हैं. So बहुत बार हमें यहाँ पे मोनोकल्चर दिखता है एंड बीच में फिर थोड़े बहुत दूसरे स्पीशीज होते हैं बट एक स्पीशीज हमेशा डोमिनेंट होती है तो मुंबई में वी यूजुअली से कि एविसेनिया मरीना तिवर जिसका ये फोटो है दिस इज अ डोमिनेंट स्पीशीज गोइंग अहेड देर आर सर्टन पैचेस वेर यू विल सी सोनोरेशिया अल्बा जिसको चिप्पी बोलते हैं
तो इसको डोमिनेंट, ये स्पीशीज डोमिनेंट होता है. तो जैसे जैसे सैलिनिटी चेंज होती है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होते हैं, मैनग्रोव वेजिटेशन एंड हैबिटेट भी चेंज होता है. सो दिस डार्क ग्रीन वेजिटेशन, इट यूजुअली इंडिकेट्स द सोनोरेशिया ट्रीज. नाउ अगर आप देखोगे ये फोटो, द कैनोपी इज वेरी डिफरेंट, ऐसे राजमहल जैसा लुक एंड फील आता है इसे देख के. दिस इज वन ऑफ द रेयर स्पीशीज, ज्यादा कॉमन नहीं है महाराष्ट्र में, बट इन रत्नागिरी एट सर्टन प्लेसेस जहाँ पे फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत कम है, वहां पे ये स्पीशीज दिखती है. इसे कैंडेलिया कैंडल बोलते हैं, मराठी में इसे कांदल बोलते हैं. Now this is again the species of Avicennia marina. अभी वापस मैंने ये फोटो यहाँ पे डाला है. It is because ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अगर वो स्पीशीज ऐसी दिख रही है तो दूसरी जगह पर भी वो ऐसी ही दिखेगी. Depending on the climate, depending on certain changes in the environments, ये जो species है ये अपना appearance भी change करती है. This is also Avicennia marina and this is also Avicennia marina. पहला वाला जो इमेज है, यहाँ का जो सबस्ट्रेटम है ये बहुत मड़ी है, यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है, तो आप देखो ट्रीज जो है वो काफी बड़े हुए हैं. नाउ इन दिस इमेज इफ यू सी, यहाँ पे ट्रीज का हाइट छोटा है. इसका मतलब ये नहीं कि दिस आर नॉट द फुल ग्रोन ट्रीज, दिस आर ऑफकोर्स फुल ग्रोन ट्रीज विथ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, बट यहाँ का सबस्ट्रेट जो है वो सैंडी है, जो सैलिनिटी इस जगह की जो है ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा आइलैंड जैसा एरिया है. So here in, if you go towards Raigarh and certain areas जहाँ पे the mangroves like are present more near the sea, near the Arabian Sea, तो हमें ऐसे dwarf kind of mangrove growth दिखते हैं क्योंकि salinity बहुत ज्यादा होती है. तो plants को उस नमक को बाहर निकालने के लिए काफी energy utilize करनी पड़ती है. So they stop their other growth, like height कम कर देते हैं, dwarf रहते हैं and so on. Now this is the species of Rhizophora, जो बहुत commonly कहीं भी अगर mangrove दिखाना है तो हम usually Rhizophora ही draw करते हैं, because इसका root system जो है वो बहुत ही elegant है and it is very elegant and good looking mangrove tree. Now again this is also the same species. Now अभी दोनों species अगर layman देखेंगे तो कोई बोलेगा नहीं कि ये same species है. हम यू विल से दैट दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहते हैं. यहाँ पे ये जो ट्री है ये इतना बड़ा हो गया है, इतना टॉल हो गया है. द रीजन इज यहाँ पे फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस है. सो इट इज नॉट लाइक दैट मैंग्रोव्स विल नॉट ग्रो इन द फ्रेश वाटर और एंड दे रिक्वायर ओनली सलाइन वाटर. मैंग्रोव्स कैन वेरी वेल ग्रो लग्जूरियंटली इन द फ्रेश वाटर, बट दे आर एडाप्टेड टू ग्रो इवन इन द सॉल्ट वाटर और द सी वाटर. Now these are the different type of mangroves के जो roots हैं जो हमें दिखते हैं. तो एक जो photo हमने देखा यहाँ पे ये वाला, तो इसमें roots में कुछ भी adaptations नहीं दिखेंगे, but जो base है वो थोड़ा मोटा हो जाता है. Then there are certain species जहाँ पे ये pencil like roots form होते हैं, and then there are certain species जहाँ पे ऐसे stilt roots form होते हैं जो main trunk से आ जाते हैं. एंड देन देर आर सर्टेन ट्रीज, कोई कोई ट्रीज में ऐसे नी लाइक रूट्स दिखते हैं. अगर हम घुटना ऐसे मोड़ेंगे तो इट विल गिव यू लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप, एंड देन इट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द सरफेस ऑफ द मैंग्रोव. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो मैंग्रोव्स है इसमें हमें ये सॉल्ट के ऐसे क्रिस्टल्स भी कोई कोई लीव्स के ऊपर दिखते हैं. सो नाउ दिस इज ऑल्सो वन एडाप्टेशन, इसी के वजह से ये मैंग्रोव यहाँ पे ग्रो हो पाते हैं. इवन इफ अगर वो सलाइन वाटर जो है वो पी लेते हैं, देन ऑल्सो जो एक्सेस सॉल्ट है वो अपने लीव से बाहर निकालते हैं. एंड दिस इज द प्यूरेस्ट ऑफ द प्यूरेस्ट सॉल्ट दैट यू विल एवर सी और नोटिस. नाउ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग अबाउट द मैंग्रोव्स एंड द वे दे आर एडाप्टेड, एंड प्रोबेबली वो इस जगह पे अच्छे से फैल पाए हैं एंड दे आर एबल टू कवर दिस एंटायर कोस्ट लाइन एरिया, इज बिकॉज ऑफ देयर दिस एडाप्टेशन. नाउ ये एडाप्टेशन में ये पॉड लाइक थिंग्स आपको जो दिख रहे हैं, यूजली वी विल से लाइक इट इज लाइक अ फ्रूट, लाइक अ पॉड लाइक फ्रूट, बट इट इज नॉट अ फ्रूट. It is actually a sapling, a small sapling. जैसे चिकू होता है ना, तो चिकू जैसे छोटा सा सीड
प्लांट के ऊपर फॉर्म होता है. नाउ इफ द सीड इट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड इट मे नॉट बी एबल टू रूट प्रॉपरली बिकॉज उसको स्टेबल सबस्ट्रेटम नहीं है. दिन में दो बार पानी आता जाता है ड्यूरिंग हाई टाइड. सो because of that this root the seeds they germinate on the parent tree itself and as they germinate they grow this kind of roots which grows vertically downwards. जब इसका वजन बढ़ जाता है या फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ जाता है उसके ऊपर छोटे छोटे से हमें डॉट्स दिखने लगते हैं विच आर एक्चुअली द ब्रीदिंग पोर्स एंड जब ये आ जाता है तब ये जो रूट्स है या फिर ये जो saplings है ये नीचे गिर जाते हैं. सो नाउ ये जो saplings है अभी कोई कोई मैंग्रोव के saplings पानी के साथ एक 10-15 दिन भी बहते हैं या फिर जो राइजोफोरा स्पीशीज है कांगर स्पीशीज तो इसमें ऐसे पाया गया है कि ये जो saplings है दे कैन एज वेल फ्लोट ऑन द वॉटर फॉर 40 days एंड जब भी उनको एक प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो वहां पे वो रूट हो जाते हैं एंड देन फिर वो ऐसे सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स बना के वहां पे अपना जमाव बना देते हैं. नाउ ये जो मैंग्रोव है तो अभी अगर आज हम ये प्लांट करते हैं अगर यहाँ पे आज प्लांट हो जाता है तो प्रोबेबली 100 साल के बाद द एरिया विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द मैजिक ऑफ मैंग्रोव्स दैट वन और टू लाइक फ्यू स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव्स हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ ह्यूज मैंग्रोव फॉरेस्ट. एंड जब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बन जाता है तो क्या होता है जब हाई टाइड का पानी आता है तो नेचुरली यहाँ पे जो करंट्स का फोर्स है वो कम हो जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है. यू कैन सी द कैनेपी विच इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. जो फिश स्पीशीज या फिर मरीन स्पीशीज जो समुंदर से आते हैं ड्यूरिंग हाई टाइड दे गेट अ प्रॉपर सबस्ट्रेटम दे फाइंड दिस प्लेस वेरी सेफ एंड दे स्टार्ट लेइंग देयर एग्स इन दिस एरियाज. एंड यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैंग्रोव्स जो है दे आर द नर्सरी ग्राउंड एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन मेंटेनिंग द फूड चेन. अभी ये जो इलस्ट्रेशन है यू कैन सी ये जो मैंग्रोव लीव्स है ये नीचे गिरते हैं एंड व्हेन दे फॉल डाउन ये जो टाइनी क्रैब्स है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन श्रेडिंग दिस लीव्स. वो श्रेड होने के बाद जैसे ही लाइक डिग्रेडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक छोटे छोटे कीड़े होते हैं वर्म्स होते हैं श्रिम्स होते हैं फिश होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एरिया बिकॉज देर इज अ फूड. सो यूजुअली लाइक यू नो द एनिमल फिनोमेना वेर एवर देर इज अ फूड द एनिमल्स विल माइग्रेट. सो दैट इज सीन इवन इन द मरीन एनिमल्स एंड वी नो दैट दिस मैंग्रोव्स आर रिच इन द बर्ड्स एंड अदर हैबिटेट्स एज वेल. Thus, they play a very important role in maintaining this entire food chain. Now, one example is we see this huge clusters of flamingos that visit the Thane Creek Flamingo Sanctuary every year. So that is because a lot of food is available. One reason is because of the mangroves and another reason is also because of the anthropogenic impact that is seen in the Thane Creek. It grows a lot of blue-green algae, which is again the feed of the flamingos. Then even there are many other species that you can see in Thane Creek and other mangrove habitats. Now in this picture, you can see how this fish varieties from the sea, they migrate towards the mangroves and they use this as their nursery habitat. Now talking about fish is also a very important livelihood for the people who stay near the coastline areas and I don't know the percentage but yeah maximum number of population relies on fish as a source of their food. So this is a very interesting research that I got in one of the paper. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मैंग्रोव एरिया है ये दिस फिश विल यूज दिस एरिया एज अ मैंग्रोव नर्सरी. 10 महीना मैंग्रोव नर्सरीज में वो रहेंगे एंड देन लाइक यू नो दे ट्रेवल टूवर्ड्स द रॉकी रीफ. रॉकी रीफ से बाद में वो डीप रॉकी रीफ में जाते हैं देन अगेन दे विल गो टू द ओपन वॉटर देन अगेन दे कन्वर्ट इन टू द अडल्ट एंड देन उनके जो लार्वे जो है अगेन दे विल go into the mangrove nursery and this cycle continues. ऐसे अगर देखा जाए तो 3-4 साल लगते हैं एक fish का ये जो पूरा cycle है natural conditions में complete होने के लिए.
सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट अगर एक पैच मैंग्रोव का डिस्ट्रॉय होता है सो देर आर एन नंबर ऑफ स्पीशीज जो साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली दे आर प्रोन टू द डिस्ट्रक्शन और टू द एक्सटिंक्शन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस हैबिटेट एंड इट ऑल्सो शोज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ दिस स्पीशीज मैंग्रोव इज नॉट द ओनली इकोसिस्टम इट इज इंटरडिपेंडेंट एंड इट इज connected to various other ecosystem like rocky reef, coral reefs and open sea and so on. So now this is a table where you can see that this is the old data like from 2015 where the mangrove cover is 222 and we can see the tons of fish catch that is obtained only from the mangroves. It has been mentioned in one of the research papers that 23% of the India's total catch is dependent on the mangroves per hectare. So if we say per hectare, so 1.86 tons of annual fish catch is being done from throughout India. It is not the only value of Indian Maharashtra. But this is just a depicting like a value of 1 hectare. So 1 hectare, if it can harvest or it can give 1.86 tons, which is equivalent to 68 billion rupees throughout the coastline of India. And so it is very clear that more mangrove area is equal to more economics. It is going to help to increase the livelihood of the local communities. Now imagine if these mangroves are lost. Even if like we are doing a lot of efforts on restoring these mangrove areas, but throughout the world, like worldwide, mangroves are posing a lot of threat. And every day we are losing some percentage of mangrove forest. So if the mangroves are lost, the revenue developed is also lost. So if today it is 68 billion rupees, so probably in another 10 years, it will grow to 88 billion and so on. So much revenue is also lost when the mangrove forests are destroyed. So it is a very clear thing that less mangroves, less biodiversity, more mangroves, more biodiversity. Here I am able to show only birds, but yes, like, in the water and in the sediment, there are many other organisms, fish varieties and all, which are equally responsible for the economic growth. So it is not only about the economics we need to be concerned about, but also of the ecological functions that mangroves give. Fisheries, of course, we discussed just now. Then the huge structure of this mangroves, the different type of root system, they also help in phytoremediation. Phytoremediation is they purify the water and they attract so much biodiversity. These roots, they hold the sediment ko is tarike se pakad ke rakhte hain so that fir wo erosion nahi hota hai jis wajah se then even cyclones and all aate hain to mangroves are the first like to or to combat this problems and sabse zyada jis cheez ki vaarta hoti hai that is about the carbon sequestration carbon sequestration is like, we all know that carbon dioxide in the air is a greenhouse pollutant and it is not good to breathe carbon dioxide. We cannot survive by breathing carbon dioxide. So because of the industrialization, urbanization, whatever CO2 is released and otherwise from the respiration from the life forms, this CO2 has to be captured somewhere. So plants have this innate ability to capture this CO2. So compared to any other trees, mangroves have 40-50 times more potential to absorb this carbon and store into the sediment. Now, how do they do this? So, ye image mein aap dekhoge ki yahan pe bahut sare patte niche gire hue hain, which usually we call it as a leaf litter. Ab ye leaf litter ko zameen ke andar leke jane ka kaam ye crabs karte hain. Mangroves and crabs has a very close relation. So whenever like mangrove leaves fall down, either they will shred the leaves and they will make food available for other organism. They will take this biomass like leaf litter below ground. Jiske wajah se yahan ke jo grounds hai, they will become rich in biomass and food and carbon source. Abhi there are so many studies ki jahan pe abhi yahan pe ek insaan dikhaya hai, he is using this core.
तो ये जब कोर जमीन के अंदर जाता है तो हमें पता चलता है, जब ये मिट्टी के सैंपल्स लेते हैं तो इस सैंपल में कितना कार्बन स्टोर होता है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है इट करस्पॉन्ड्स टू 10 ईयर्स। सो जब भी हम मैंग्रोव्स में चलते हैं तो वी कैन सी कैसे हमारे पैर के खड्डे हो जाते हैं वहां पे। सो इट इज लाइक यू नो वी आर गोइंग 10 ईयर्स 20 ईयर्स बैक द लेन, वी कैन से इट इन दैट वे एज वेल। So when we take like 1 meter, 2 meter of the mangrove sediment for the analysis, we get the value that the amount of carbon kitna is sediment mein store hua hai up to 1000 years or 2000 years. So now ye jo carbon hai actually ye hai kya? So usually photosynthesis se plants absorb the carbon dioxide and they store it in their biomass, unke patton mein, unke trunk mein, roots mein ye store ho jata hai. Jab ye patte niche girte hai to wo sediment mein chala jata hai. Kuch carbon jo hai wo sea se bhi aata hai, like you know there are many leaf litter that is flowing with the water and that will come and get trapped in this areas and kuch is area mein se bahar bhi jayega, and some carbon that will get trapped in the mangrove sediment. Oxygen poor environment hota hai, breakdown jo hota hai patto ka it is very slow and that results in a significant carbon storage. And coming, ये मैंने स्लाइड वापस डाली है. The reason is now this will help us in economic valuation of the mangrove ecosystem. Fisheries का जैसे हमने बताया कि 1 hectare can value up to 68 billion rupees. You can imagine water purification. हमारे घर पे हम लोग एक्वागार्ड या फिर ऐसे जो सिस्टम लगाते हैं तो just think about the cost that is involved. Biodiversity के लिए we cannot do anything like unless we are doing some breeding this thing and all, but naturally mangroves help in attracting lot of biodiversity and also they are the nursery grounds in breeding of this biodiversity. Then they control the land erosion. Hum to like you know we will put some wall or something like you know so jiske wajah se jo land hai wo erode na ho paye, but mangroves don't need anything of that sort, just like grow mangroves and protect the land. Then cyclone है, सुनामी है, so this is just a rough value. अभी cyclone निसर्ग जब आया था तो government released 1,300 crores of rupees for coastal protection. Now imagine if we have mangroves, like we have a very strong mangrove wall, so the amount of money that is incurred ये सारे problems को deal करने के लिए वो काफी हद तक कम हो जाएंगे. Then the carbon sequestration. So it is purifying the air when it is taking in the carbon dioxide. So even now sitting at one place, hum is mangrove se jo bhi benefits derive ho rahe hain, we are experiencing that and we are using all these benefits that mangroves are giving us. So it is not only ki coastal communities isse benefit hote hain, equally every human being on the land is benefited from the mangroves around. Now this is one image. So usually in most of the areas, this image is not from India. This is just a Google web image. So usually, like even in our areas in Maharashtra, also in certain areas, we have seen that पूरा का पूरा land ऐसे सूखा हुआ दिखता है. Now ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि mangroves are not good. वो वेस्ट लैंड है, मच्छर आ जाते हैं, हमारी जमीन खराब हो जाती है, हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहां पे बंड्स बांधे जाते हैं. जब बंड्स बांधे जाते हैं तो हाई टाइड का पानी अंदर ही नहीं आ पाता है, नेचुरली मैंग्रोव्स तो वहां के मर जाते हैं. अगेन वो जो हमने पूरा साइकिल देखा कि फिश ब्रीडिंग जैसे होता है मैंग्रोव में, ये सारी प्रॉपर्टीज भी नष्ट हो जाती है. सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Now, just to show you ki how things change over a period of time. Now, this is one image of Gorai, that satellite image 30 years back. So, this is one image and this is other image. Ab ye dono images agar hum log baju baju mein rakhte hain, to you can see ye wale image mein there is very less urban pressure. हटमेंट्स कम है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, एंड इन दिस इमेज यू कैन सी द अर्बन प्रेशर, कितने सारे घर है, इंडस्ट्रीज है. सो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ह्यूमन सेटलमेंट्स इतने
लेवल पे बढ़ जाते हैं तो सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है बिकॉज नेचुरली डेवलपमेंट होता है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट डिस्चार्ज होते हैं, सीवेज इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है एंड वेन एवर लाइक यू नो द सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड इन सच एरियाज वो मैंग्रोव के लिए फेवरेबल जगह बन जाती है ग्रोथ के लिए. नाउ दिस इज अनदर इमेज ऑफ थाने क्रीक. सो यहाँ पे दिस इमेज जस्ट अ मिनट सो नाउ हियर यू कैन सी दिस इज थाने क्रीक. इवन इन थाने क्रीक ऑल्सो यू कैन सी देर आर नो मैंग्रोव्स हियर. ओके this image is 30 years back and this is current image. So though this image is not very clear but there is lot of anthropogenic impact that is seen along the entire Thane Creek and because of which again the sedimentation has increased and the growth of mangroves have become luxuriant and that result in like ye jo channels hai wo bahut kam ho jate hain. So naturally abhi yahan pe Ullas river hai to Ullas river se fresh water flow acha tha. Jab fresh water flow acha tha to wahan pe bahut zyada फिशिंग एंड ऑल वॉज ऑल्सो गुड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एरिया जो है ये बहुत नैरो बन गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश वाटर फ्लो कम हुआ है एंड ऑल्सो दिस हैज रिजल्टेड इन रिड्यूस अमाउंट ऑफ फिशरीज दो बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट वी गेट टू सी लॉट ऑफ फ्लेमिंगोज इन दिस एरियाज. नाउ दिस इज अनदर इमेज दैट वॉज सी so these are just random images that I have added over here to describe. So ये रत्नागिरी एरिया है तो यहाँ पे ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. There is not much anthropogenic impact and you can see even the mangrove areas जो है उसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं है. They are as good as जैसे थे वैसे. हल्का कुछ difference अगर हुआ होगा तो हुआ होगा. Then again you go to this is the Jaigarh area. So yahan pe bhi like you know if we see this areas so not much visible difference you can see in the mangroves. So this is how like jab bhi human settlement badh jata hai to sedimentation badh jata hai and that results also in increase in the sediment. So a lot of study is required. What is good, what is not good, there are a lot of questions that come in our mind and this is really a serious thing which needs to be dealt seriously because mangroves are our future. Agar sea level rise it is happening, we cannot see agar hoga, it is happening. So we don't know what is our future but yes, if we have mangrove wall along our coastline then definitely it is going to save many of the lives. Now this is food chain that I got in one of the research paper. Now there is one story from one of the national park in America. So yahan pe kaise hua wahan pe American saltwater crocodiles jo the uska kafi amount mein hunting hota tha and because wahan pe hunting hota tha but there was a small community of tribe who tried to save this. So community participation is very important. So ye tribe ne kya kiya jo crocodiles ke jo ande the unko they started conserving, they started raising this crocodile babies and then releasing back into the park area. इसके वजह से क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन इट अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड स्लोली स्लोली जो इकोसिस्टम का बैलेंस है दैट आल्सो कम्स बैक टू द नॉर्मल. सो दिस इज वन इकोसिस्टम वेयर यू कैन सी देयर इज नो ह्यूमन इन्फ्लुएंस. सो जहां पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है तो वेल, शार्क, सील्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, टर्टल्स, ऑयस्टर्स, जूप्लैंक्टन्स ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है दे वेर डोमिनेंट इन द एरिया. जैसे ही वहां पे ह्यूमन आ जाता है ओके तो ये सारे कम हो जाते हैं. ओके वेल्स कम हो गए, शार्क्स कम हो गए, सील्स कम हो गए, क्रोकोडाइल्स कम हो गए, बर्ड्स हैड इंक्रीज्ड, देन द जेली फिशेस इज इंक्रीज. सो whatever our activities that we do that do affect the environment in some or the other way.
So human expansion is going to affect the fishing. It is going to affect, it is going to increase the pollution. It is going to disrupt the habitats. And ultimately, all this thing is going to lead to the altered ecosystems. So bahut jagah pe, like, we face this problem that ecosystems are altered. There are so many questions that come in the mind. Agar mangroves aa jate hai, toh we should remove them or we should not remove them. But all these are the consequence of the altered ecosystems. Then this is not a very clear image. It is taken from Google. But then most of the time when you go in the mangrove areas, so you see that a lot of plastic bags and the plastic bottles that end up into the mangroves. So whatever waste that is collected from our houses, it goes to the dumping ground, and from the dumping ground, some or the other, like, you know, portion or it ends up into the mangroves. It is not only the waste from our coastline, but it can be from several other countries as well. During high tide, when water comes in, this waste gets trapped into the mangroves. So whatever we give, it comes back to us. So it is very important to continue the cleanup drives and participate in such initiatives where we can do some bit of the to conserve this ecosystem. Now, it is not only you have to participate in the cleanup drives, but you can do something by giving a small shift in your lifestyle, like using a metal bottle, not using plastic bag, using a cloth bag. So this can also make a huge difference, and it can lead to the conservation of this unique ecosystem. And to highlight, India has a very good cover of the mangroves. India is the only country which has this Sundarbans, which has this Royal Bengal tiger. Then we have estuarine crocodiles in the mangroves. Then we have otters, turtles. There are different varieties of turtles, like olive ridley turtle, leatherback sea turtle, hawksbill turtle. So all these turtles are seen at our website, along the coastline of the Maharashtra and India. So it is the summary of the entire presentation is that mangroves are very, very important for our survival. There is a lot to speak about mangroves. But there are different species that are present in the mangroves, the identification part and all those things. And the study of the mangroves is very much essential. And it is not necessary that you have to be expert in the mangroves to study the mangroves. It is just your observations that can make a big difference. And nowadays, like, the mangrove conservation and all these activities, they are taking such a boom that like whenever you see this mangrove destruction or this kind of activities, you can put a call on 1926 or Konkan Mangroves. There is a website on Konkan Mangroves, and there is our portals on Instagram, Facebook, Twitter, where you can post about these things, reach to us, and we all can collectively work towards the conservation of the mangroves. So on this International Mangrove Day, this is a message that we really need to conserve this unique ecosystem. Thank you. Thank you, Sridhar.